Today I have brought a beautiful story for the students of class 5, and the name of the story is Flying Together. लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले उस स्टोरी के शुरुआत में कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, हम पहले उन्हें पढ़ेंगे. It reads, What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. These are the things. ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको हमेशा समय से करने के लिए कहते हैं? जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं. गेट अप इन द मॉर्निंग, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको सुबह जल्दी जागने के लिए कहते हैं. डू द होमवर्क, आपको समय से अपना होमवर्क करने के लिए कहते हैं. एंड पैक योर स्कूल बैग, और समय से अपना स्कूल बैग पैक करने के लिए, तैयार करने के लिए कहते हैं. इन द फॉलोइंग लाइन द राइटर आस्क्स अ क्वेश्चन. राइटर आपसे एक सवाल भी पूछता है. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. और क्या होता है जब आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उनके समय से पूरा करने के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करके और उनकी बातों को आप नहीं मानते हैं. ये एक क्वेश्चन है. आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है जब आप समय से अपना काम पूरा नहीं करते हैं. इन क्लास 5 यू आर ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड और इमेजिन द सिचुएशंस where you have ignored your parents' instruction or the teacher's instruction and fallen in trouble. उनके instruction को जब ignore करते हैं तो आप किस तरह के मुसीबतों में फंसते हैं, इसका experience आपको होगा, क्योंकि class 5 में आप ये समझने लायक हो चुके हैं. इस story के शुरुआत में deep in a forest stood a very tall tree. घने जंगलों के बीच एक ऊंचा, काफी ऊंचा पेड़ था. Its leafy branches spread out like a strong arms. और उस पेड़ के पत्तों से भरे हुए ब्रांचेस दूर दूर तक फैले हुए थे. ऐसा लगता था जैसे वो उस पेड़ की स्ट्रॉन्ग आर्म्स हों, उसकी बड़ी बड़ी बाहें हों. दिस ट्री वाज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड कीज. और ये ट्री रहने की जगह था, घर था, वाइल्ड गीज के एक झुंड का. फ्लॉक हम लोग बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है. वाइल्ड गीज का जो झुंड होता है उसे हम लोग फ्लॉक कहते हैं. तो वो ट्री बसेरा था, रहने की जगह था वाइल्ड गीज के एक झुंड का. दे फेल्ट सेफ देयर. वे लोग वहां सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वाज वाइज ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक गीज काफी बुद्धिमान था और काफी बूढ़ा था. ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. एक दिन उसने उस पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा क्रीपर देखा. क्रीपर हम उस पौधे को कहते हैं जिनके स्टेम नहीं होते, वो दूसरे पेड़ों के सहारे उनसे लिपट कर और ऊपर चढ़ते हैं. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. पेड़ के जड़ के पास जब उसने उस ओल्ड गीज ने एक क्रीपर को देखा, छोटे से क्रीपर को, तो उसने दूसरे बर्ड से उसके बारे में बात की. डू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट. उसने उन्हें दिखाते हुए कहा, क्या तुम लोग इस क्रीपर को देख रहे हो? हमें मिलकर इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. दूसरे गीज ने उससे बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि ऐसे क्या जरूरत आ गई, हम लोग क्यों इसे डिस्ट्रॉय कर दें? इट इज सो स्मॉल. ये बहुत छोटा सा है. व्हाट हार्म कैन इट डू. ये हम लोगों का क्या नुकसान कर सकता है? My friends, replied the wise old bird. उस बूढ़े पक्षी ने, उस बुद्धिमान पक्षी ने उनसे कहा, My friends, मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. उसने कहा, दोस्तों, देखते देखते ये छोटा सा creeper तेजी से बड़ा हो जाएगा. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. और जैसे जैसे ये पेड़ के सहारे ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मोटा होता जाएगा. What of that? asked the geese. What harm can a creeper do us? क्या होगा उससे? उनमें से एक गीज ने कहा, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. उस बुद्धिमान पक्षी ने उन लोगों से कहा,
Don't you see? क्या तुम देख नहीं सकते? क्या तुम सोच नहीं सकते? With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb the tree. क्या तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी के लिए भी इस क्रीपर के सहारे पेड़ पर चढ़ जाना आसान होगा. A hunter can come up and kill us all. कोई भी शिकारी इसे इसके सहारे ऊपर चला आएगा और हम लोग सभी को मार डालेगा. Well, there is no hurry, they replied. उन लोगों ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई जल्दीबाजी नहीं है. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है और इसे डिस्ट्रॉय करना, इस छोटे से क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, ये बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत ही बुरा काम है. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. इस क्रीपर को अभी नष्ट कर दो जबकि ये बहुत छोटा है, उस ओल्ड बर्ड ने फिर से सलाह दी. Now it is tender and you can cut it easily. क्योंकि अभी ये नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो. Later, it will become hard and you will not be able to cut it. क्योंकि आगे चल के ये काफी मजबूत हो जाएगा और तुम इसे काट नहीं पाओगे. We'll see, answered the birds. उन सारे बर्ड्स ने, बाकी के जो गीस थे, उन लोगों ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा. We'll see, हम लोग देखेंगे, सोचते हैं. But they did not destroy the creeper. लेकिन उन लोगों ने आखिरकार उस क्रीपर को नष्ट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. और धीरे धीरे वे लोग उस wise old bird के एडवाइस को भूल गए. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे जैसे वो क्रीपर बड़ा हुआ, वो पेड़ से लिपटता हुआ ऊपर की ओर, पेड़ पे ऊपर की ओर चढ़ने लगा. A stronger and stronger it became. धीरे धीरे ये देखते देखते ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो गया. Until it was as strong as a thick rope. और फिर वो किसी बहुत ही मोटे रस्सी की तरह मजबूत हो गया. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन सुबह में जबकि बाकी सारे गीज बाहर चले गए थे भोजन की तलाश में, एक हंटर उस फॉरेस्ट में आया. So this is where wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. उस पेड़ को देखते हुए उस शिकारी ने, उस हंटर ने अपने मन में सोचा, अच्छा तो ये पेड़ है जहां वाइल्ड गीज रहते हैं, जब वो लोग आज शाम में वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा. द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. वो हंटर उस क्रीपर की मदद से पेड़ पर ऊपर चढ़ गया. ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर. उसने वह पेड़ के सबसे ऊपर पहुंचकर उसने वहां अपने जाल फैला दिए. देन ही क्लाइम्ब्ड ऑन एंड वेंट अवे. और उसके बाद वो नीचे उतर गया और चला गया. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इनटू द ट्री. दे वर ट्रैप्ड. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट. शाम में वो सारे गीज वापस अपने अपने घरों को लौटे. उन लोगों ने उस जाल को देखा नहीं, उस नेट को नहीं देखा, नोटिस नहीं किया. एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. और जब वे लोग पेड़ पे बैठे तो सबके सब उस जाल में फंस गए. उन लोगों ने काफी मेहनत की किसी तरह से उस जाल से छूटने की, बट कुड नॉट. लेकिन वे लोग उससे आजाद नहीं हो सके. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. सारे गीज एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ. वे आर कॉट इन द हंटर्स नेट. हम लोग सभी इस शिकारी के जाल में फंस गए हैं. ओफ व्हाट शल वी डू. ओफ अब हम लोग क्या करें. डोंट मेक अ फस नाउ, शेड द वाइज ओल्ड बर्ड. अब शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है, उस वाइज ओल्ड बर्ड ने उन लोगों से कहा. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. काफी पहले मैंने तुम लोगों से कहा था इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, बट यू डिड नॉट. लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड. अब देखो क्या हो गया. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. कल सुबह वो हंटर आएगा और हम लोग सभी को मार डालेगा. वी वर फूलिश फॉर द बर्ड्स. सारे बर्ड्स रोते हुए बोले, हम लोग वाकई मूर्ख थे. वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू. हम लोगों को काफी अफसोस है, दुख है कि हम लोगों ने मिलकर आपकी बात नहीं मानी. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. और अब आप कृपया बताएं
कि अब हम लोग क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. तब उस बुद्धिमान पक्षी ने उन लोगों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब वो शिकारी आएगा तो तुम सबों को नाटक करना होगा कि तुम सभी मर चुके। Just lie still, बस चुपचाप पड़े रहना। The hunter will not harm dead birds. वो हंटर मरे हुए पक्षियों का, डेड बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। He will throw us to the ground. वो हम लोगों को उठाकर नीचे जमीन पे फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down. क्योंकि तब उसके लिए खाली हाथ नीचे उतरना आसान होगा। Collect the dead birds and take them home. हम लोगों को वो शिकारी एक मरा हुआ समझकर नीचे जमीन पर फेंकेगा, क्योंकि तब उसे उसके लिए काफी आसान होगा कि वो पेड़ से नीचे उतर आए, मरे हुए सभी बर्ड्स को कलेक्ट करें और अपने घर लेकर चला जाए। When the last of us has been thrown down, हम लोगों में से जब आखिरी गीस को वह नीचे जमीन पर फेंक दे, we must quickly get up and fly away. तो हम लोग सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ चलेंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अगले दिन सुबह वो hunter फिर से उस पेड़ पे आया और ऊपर चढ़ा। He looked at the geese in the net. और उसने उस जाल में फंसे हुए सभी गीज को देखा। They are all dead, he muttered to himself. वह अपने आप में बड़बड़ाया, ये तो सभी मर गए हैं। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके उन सभी को नेट से बाहर निकालकर फेंका। The birds lay still until the last one had been thrown down. सारे birds चुपचाप पड़े रहे तब तक जब तक कि आखिरी गीज को नीचे नहीं फेंक दिया गया। Then all at once they got up. और फिर अचानक एकाएक वो सभी जाग गए। Flap their wings, अपने अपने पंखों को फड़फड़ाया and flew away. और सारे उड़ चले। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all the geese fly away. Hunter को बहुत ही आश्चर्य हुआ। From the top of the tree, और पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हुआ देखता रहा एक एक करके सारे गीज को उड़ते हुए। इस स्टोरी से आपने एक अच्छा सा लेसन सीखा कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की बात को इग्नोर करते हैं तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर मुसीबत से बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप अपने एल्डर्स के सजेशन को ध्यान से सुने और समय से अपना सारा काम पूरा करें।